दे सकता है पर मंथ हर मंथ ये आपको साठ से अस्सी डॉलर कमा के दे सकता है ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है भाई वन टाइम आपको सेटअप करना है उसके बाद सारा काम खुद ब खुद होगा कैसे होगा मैं आपको पहले पुल प्रूफ देता हूं एंड उसके बाद भाई हम जाएंगे सेटअप की तरफ सबसे पहले आप इस साइट को चेक करो ये न्यूज़ रिलेटेड है इसमें मैंने दो टॉपिक्स टारगेट की हैं क्रिप्टो न्यूज़ एंड उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल इश्यूज न्यूज़ रिलेटेड ये दो टॉपिक्स मैंने टारगेट की हैं पहले मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे रिफ्रेश uh, करता हूँ ठीक है इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा अभी यहाँ पे और आर्टिकल्स भी आ जाएंगे आधे घंटे के बाद तीस मिनट के बाद दो आर्टिकल्स आते हैं अभी इनमें से जैसे ये आर्टिकल है ये वाला आर्टिकल मैं इसको ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद आपको मैं यहाँ पे एड्स भी दिखाता हूँ कि इस ब्लॉग के अंदर किस एड नेटवर्क्स की एड्स लगे हैं एक दफा इसको रिफ्रेश करते हैं ठीक है जी रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख पाओ ये देखें ये एड्स की अभी मैंने लगाए हैं डिफरेंट तीन नेटवर्क की एड्स है इस पर भी हम बात करेंगे पहले आप इसको देखो ये पूरा आर्टिकल आप चेक करो एंड वेबसाइट का डिजाइन भी अब ये जो आर्टिकल है ना यहाँ पे होता ये है ऑटो ब्लॉगिंग में कि ये जो ब्लॉग है ना ये ट्विटर के साथ कनेक्ट है ट्विटर के साथ लिंक है तो जैसे ही इधर ट्रेंडिंग लेटेस्ट न्यूज पब्लिश होता है इस ब्लॉग के अंदर तो उसी टाइम वो आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ ट्विटर पर भी पब्लिश हो जाते हैं ऑटोमेटिकली तो आपके पास जो ट्रैफिक आता है ना वो कहाँ से आता है सोशल साइट्स है ट्विटर से और ट्विटर के अलावा और भी बहुत सारे साइट्स है फेसबुक पेजेस है लिंकड है आप थ्रेड्स को भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट साइट्स है पिन है. है वहां से आप ले सकते हैं बट हम वन बाई वन जो है ना सोशल साइट्स को टारगेट करते हैं एक साथ सभी को टारगेट नहीं करते एक ब्लॉग में एक सोशल साइट को टारगेट करते हैं इस ब्लॉग के साथ मैंने टोटल तीन ट्विटर अकाउंट्स लिंक की है अभी मेरा टारगेट सिर्फ ट्विटर है ये आर्टिकल इसका टाइटल आप इधर नोट करो अभी मैं आपको इधर दिखाता हूं ये देखो ये यहाँ पे पब्लिश हुआ है ख़ुद ब खुद ये शेयर हो जाता है इसका टाइम आप यहाँ पे चेक करें इस तरह से ये एक घंटा दो घंटे ये सारे आर्टिकल जो पोस्ट है ना वो यहाँ पे शेयर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली एंड और इनके इंप्रेशन भी आप चेक कर सकते हैं नव इम्प्रेशन है इसके ऊपर थर्टी फोर इंप्रेशंस है और नौ घंटे इसको हो चुके हैं इस आर्टिकल को अभी मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ट्विटर पाकिस्तान में बेन है आप में से पाकिस्तानियों को पता है अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखते हैं कि ये लोड हाँ हो गया लोड तो आप देख सकते हैं ये मेरे उस वेबसाइट के ऊपर ये देखिए इस आर्टिकल के ऊपर ये आ गया एंड इसके अंदर यहाँ टीरा की एड्स डिफरेंट की एड्स लगे हुए हैं मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ ये मैंने इस ये जो ट्रैकर है ट्रैफिक ट्रैकर ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लगाया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो इस ट्रैकर ना ये अभी तक इस ट्रैकर ने ट्रैक की है आप देख सकते हैं 22,700 प्लस विजिटर्स आए हैं कहाँ से टेलीग्राम से भाई आप इसको नोट करो मैं एक दफा फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ सब कुछ आपके सामने होगा एंड ब्रदर ये इतना ईजी भी नहीं है ठीक है आप इसको ई इतना ईजी मत लेना अभी आप फुल समझ जाओगे आप देख सकते हैं ये ट्विटर है एंड इतने इसके विजिटर्स है अभी अर्निंग की तरफ आते हैं तो ये जो साइट है ना इसके इस, इसके ऊपर मैंने मोनीटैग की भी एड्स लगाए थे और एड कैश के भी एड्स लगाए थे एंड एड्स्टीरा के भी अभी मैंने ओनली एट्सटीरा की एड्स लगाई हैं क्योंकि अभी मैंने इनसे बात की दोबारा इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमारे एड्स लगाओ और उसके बाद फिर आप देखो क्या रिजल्ट आपका आता है मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एट्सटीरा को ठीक है एड रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट डे 11 11 को मैंने इनके एड्स लगाए थे वैसे दो अकाउंट्स में यूज़ करता हूँ नॉर्मली तीन चार अकाउंट्स एक वेबसाइट के साथ हम यूज़ करते हैं तो 11 11 को मैंने इनके एड्स लगाए थे बैनर एड्स मल्टी जो मल्टी एड्स है इसमें बैनर एड्स भी थे पॉप एड भी है और डायरेक्ट लिंक भी है प्लस इनका जो सोशल बार एड है वो भी इसमें ऐड है तो भैया आप देख सकते हो ये तेरह प्लस इंप्रेशन आए थे ग्यारह ग्यारह को एंड जो सी है वो बिल्कुल नॉर्मल सी इतना ही मिलता है ब्लॉग ऑटो ब्लॉगिंग में आपको इतना ही सी मिल जाता है 1.78 डॉलर का सी था एंड 2.4 डॉलर अर्निंग थी ठीक है जी उसके बाद नेक्स्ट डे अर्निंग डाउन फिर अर्निंग डाउन थर्ड डे भी अर्निंग डाउन एंड टुडे फिर से अर्निंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाँच हज़ार के ऊपर अभी तक ये तकरीबन हाफ डॉलर यहाँ पे अर्निंग हुआ है और आज सी नॉर्मल है मे बी ये डिक्रीज़ भी हो सकता है और, और ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो सकता है ये जो आर्टस्टीरा है ये आप में से ज्यादातर लोग जो ब्लॉगर्स है उनको तो पता है इसके बारे में तो इसका यही सिस्टम रहता है कि दो तीन दिन तक पाँच छह दिन तक इनका सी डाउन रहता है और मतलब ये वीकली वीक्स के हिसाब से होते हैं एक वीक आपका सी डाउन रहेगा तो दूसरे वीक आपका सी हाई रहेगा टोटल नब्बे हजार इंप्रेशन के ऊपर इसने थ्री डॉलर दी है मैंने कुछ नहीं किया है ये सारा काम खुद ब खुद हो रहा है तो अगर इस तरह है ब्रदर कि आपने एक ब्लॉग सेटअप कर दिया एक घंटे में और वो ब्लॉग आपको भाई एक मंथ में मिनिमम साठ से अस्सी डॉलर कमा के दे रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये कम है तो लो, जो लोग जिन लोगों को लगता है कि ये कम है तो ये कम अमाउंट नहीं है यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मेन ब्लॉग यहाँ पे ऐड किया है ठीक है आप यहाँ को आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे आ जाते हैं वेबसाइट के सेक्शन में आप देख सकते हैं ये मेन ब्लॉग यहाँ पे ऐड है इसके अलावा ये दूसरा अकाउंट है तो दूसरे अकाउंट में भी हमने यहाँ पे यूज किया है एड्स ली है ठीक है डिफरेंट साइट्स की आप एड्स लेके जो है इनको यूज कर सकते हैं थर्टीन डॉलर इधर है और इस तरह से एड कैश है एड सेटअप का जो सिस्टम है और मजीद अर्निंग प्रूफ है उसकी तरफ अब बाद में जाएंगे अभी मैंने आपको जस्ट अपना ट्राफिक दिखाना था और ये साइट एक ऑटो ब्लॉग में आप मल्टीपल एड नेटवर्क यूज कर सकते हो नाउ इस सेटअप के लिए आपको क्या क्या चाहिए भैया आप इसको नोट करो इस सेटअप के लिए भैया आपके पास होस्टिंग प्लस डोमेन होना चाहिए अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो क्योंकि ऑटो ब्लॉगिंग के लिए आपके पास अपना होस्टिंग होना ज़रूरी है डोमेन आप कोई भी यूज कर सकते हो आप फ्री एक्सटेंशन को भी यूज कर सकते हो या फिर डॉट साइट डॉट ऑनलाइन डॉट एक्स वाइज कोई भी एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो उसके बाद हमें थीम चाहिए ये जनरेट प्रेस थीम हमें चाहिए उसके बाद प्लगिन है तो डब्ल्यू पी ऑटोमेटिक के नाम से एक प्लग इन आता है इस प्लगिन का काम यह होता है कि ये आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने आपके टारगेट आप टारगेटेड टॉपिक के हिसाब से ये कंटेंट आपकी वेबसाइट के अंदर लोड करेगा उसके बाद ये एफ एस पोस्टर है इसका काम होगा ये आपके आर्टिकल्स को सोशल साइट्स के ऊपर शेयर करेगा उसके बाद लिंक्स रिमूवर है ये आपके आर्टिकल से लिंक्स रिमूव करेगा स्पेक्ट्रा है ये डिज़ाइन के लिए यूज करेंगे जीपी प्रीमियम है ये जनरेट प्रेस का जीपी का प्रीमियम प्लगइन होता है उसके बाद जनरेट ब्लॉक्स फ्रो प्लगइन है इसका हम यूज करेंगे एंड अभी का जो सेटअप है ना इस वीडियो में जो सेटअप है उसके लिए हमें पांच ट्विटर अकाउंट्स चाहिए ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट्स हमें चाहिए एंड पाँच से दस आर एस एस फिट यू आर एल्स हमें चाहिए प्रॉक्सीज भी हमें चाहिए तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए अब ये जितने भी इस मैंने आपको शो की हैं ये सब कुछ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा सब कुछ आपको मुफ्त में मिलेगा जस्ट आपके पास होस्टिंग एंड डोमेन होना चाहिए एंड प्रॉक्सीज आपको लेने होंगे जो कि इतने आपको मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है नॉर्मल प्राइस है आपको ये भी लेना पड़ेगा तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप कैसे ये सेटअप प्रॉपर सेटअप कैसे करना है फुल मैं आपको गाइड करता हूँ उसके लिए सबसे पहले आप ऐसा करो कि वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल करो अब जैसे ये मेरा डैशबोर्ड है आ, मान के चलो ये डोमेन है मैं इसके ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ ये वाला इसके ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ तो आप ऐसा करो कि वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल कर दो अब वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल करना वेरी ईजी होता है आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है उसके ऊपर हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे मेरे पास ऑलरेडी है तो आपने क्या करने की जितने भी प्लगिन है अब जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक फोल्डर आपको मिल जाएगा पूरा और कभी कभार जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स है वो कहते हैं यार आप भूल जाते हो बाद में लेकिन इस बार पूरा सब कुछ इसके अंदर होगा ये पोल्डर होगा और इसके अंदर सारे प्लगइन्स है और प्लग के अलावा यहाँ पे एक ये कस्टम है और मेन फाइल है इन दोनों को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा क्लिक करते रहो। जैसे ये मैं क्लिक करता हूँ एंड एड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद भैया आप अपलोड प्लग के ऊपर क्लिक करो चूज फाइल वन बाय वन आप सारे प्लगिन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दो जब सारे प्लग आपके इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको यहां पर अपने ब्लॉग को थोड़ा सा डिजाइन करना है ये 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 मस्ट है डिजाइन करना मस्ट है ठीक है आपने अपने ब्लॉग को थोड़ा सा डिजाइन करना है आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा ब्लॉग बिल्कुल सिंपल है आपका इससे भी सिंपल होगा इसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत पे डिजाइनिंग है आपका इससे भी सिंपल होगा अच्छा आ, मेरे जो ओल्ड व्यूवर्स है सब्सक्राइबर्स है उनको पता है कि भैया ये जो ऑटो ब्लॉगिंग है ये हमने दो में भी मैंने कोर्स भी करवाया था आप लोगों को फिर दो में भी किया था एंड अभी दो में अगेन आप कह सकते हैं दो में अगेन कर रहा हूँ तो देखो पिछले बार जिन लोगों को जो इश्यूज आए थे लाइक ट्विटर अकाउंट्स के इश्यूज होते हैं ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है प्रॉब्लम बन जाता है तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि उसको हम कैसे क्लियर करेंगे ट्विटर अकाउंट्स को देखो अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो ओल्ड व्यूवर हो तो ये अकाउंट आपको याद होगा ये अकाउंट मैंने कई बार जो है ना शेयर किया है और कई ट्वीट भी हमने इनसे डिलीट की है दोबारा आप देख सकते हैं ये जो अकाउंट है ना ये अभी देखें ये अभी आया ये वाला आर्टिकल ठीक है तो ये ओल्ड अकाउंट है ये कभी भी सस्पेंड नहीं होगा ठीक है क्यों सस्पेंड नहीं होगा क्योंकि भाई इसको बनाया ऐसा गया है अब आप कैसे बनाओगे ट्विटर अकाउंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्विटर अकाउंट्स कैसे बनाओगे हमें प्रॉक्सीज चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉक्सीज आपको चाहिए आप मेवन की प्रॉक्सीज यूज कर सकते हो मैं खुद यूज कर रहा हूं जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आ, मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा नोड प्रॉक्सी यूज मैं उसके साथ लिख दूंगा तो वो वीडियो आप देखो उसमें मैंने बताया हुआ है कि नोड नोटन की जो प्रॉक्सीज है वो आप मोबाइल प्लस डेस्कटॉप के साथ कैसे कनेक्ट करके यूज कर सकते हो अभी ये मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ तो भाई ये फायर ब्राउजर को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने नोड मेवन की प्रॉक्सी है ये यूएस की मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आई पी पे मैं सर्च करता हूँ ठीक है अभी आप आपको दिख जाएगा माई आई सर्च करने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि इस टाइम में किस कंट्री के साथ कनेक्ट हूँ तो अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पे ठीक है करना आपको क्या है ये इंतहाई आसान मेथड है और वन टाइम आपको प्रॉक्सीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ठीक है ये मैं यूएस के साथ इस टाइम कनेक्ट हूँ आपने क्या करना है कि अपने बेस्ट होगा कि मोबाइल के थ्रू ये काम करो ठीक है क्या होगा बेस्ट होगा कि ये काम आप ओनली मोबाइल के थ्रू करो प्रॉक्सी को आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दो ठीक है एंड कनेक्ट करने के बाद कैसे कनेक्ट करोगे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आपने नोड मेवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोड मेवन का लिंक मिल जाएगा आप उसके ऊपर क्लिक करो एंड अपना अकाउंट क्रिएट करो भैया अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना तो यहाँ से प्रॉक्सीज लेने के लिए आपके पास ये डाटा होना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास फोर पॉइंट फाइव जीबी फोर पॉइंट फोर जीबी डेटा अवेलेबल है तो आपको ये डेटा चाहिए अब आपको कैसे लेना है? पहले आप ऐसा करो ये add, add क्लिक करो. अगर आप बिगनर हो आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है सारे प्लग इन सारी चीजें तो आपको फ्री में मिल रही है सिर्फ आपको ये अपना जो है ना ये प्रॉक्सी लेना है और होस्टिंग तो मोस्टली लोगों के पास ऑलरेडी होता है अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी कोई हल निकाल देंगे फ्री होस्टिंग के ऊपर हो सके तो वीडियो बना दूंगा मैं ठीक है आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे पहले आप ऐसा करो स्टार्टिंग में आप ये 500 सौ एम बी ट्राफिक परचेस करो ये आपको मिलेगा 3.99 यूरो में आप गेट ट्रायल के ऊपर क्लिक करो ये ट्रायल पैकेज है इनका आप पहले इसको ट्राई करो भैया मैं आपको कहता हूँ पहले ट्राई करो ठीक है फिर देखो क्या कितने आपके ट्विटर अकाउंट बनते हैं और कितना ये जो एफ पोस्टर है उसमें हमें ये रिक्वायर्ड होगा प्रॉक्सीज ठीक है डिफरेंट ब्लॉग्स uh, अगर आप क्रिएट करना चाहते हो जैसे कि अगर आप दस बीस वेबसाइट्स का सेटअप करना चाहते हो ठीक है तो आपने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करना है और क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करने के बाद भैया आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें तो फोर पॉइंट टू डॉलर्स आपको पे करना है जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ कंट्री अपनी सेलेक्ट करो इंडिविजुअल पाकिस्तान एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे ये आपको करेंसी बता देगा कि भैया इस करेंसी में आप पे करो आपको पाँच सौ एम बी मिल जाएगा ठीक है आपके बाइनांस में या जिस भी करेंसी में आपके पास या अगर आपको हेल्प चाहिए आप नहीं ले सकते तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में है मैं आपको हेल्प कर दूंगा आप मैं भी आपको परचेज करके दे सकता हूँ ठीक है इस तरह से ये क्वाइंस के थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हैं सेकेंड ये है अगर आपको ज़्यादा सेटअप्स करना है ठीक है बहुत ज़्यादा सेटअप अगर लाइक आप पाँच दस अकाउंट या बीस अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हो ट्विटर के अकाउंट्स एंड एप एस पोस्टर में भी ये रिक्वायर्ड होता है तो फिर आप ऐसा करो कि इस एड ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करो ठीक है एंड यहाँ पे भैया आप ये वाला पैकेज जो है पाँच जी बी का ये आप परचेस कर सकते हो बाई के ऊपर क्लिक करो इसमें आपको पाँच जी बेटा मिल जाएगा लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स के साथ मैं आपको कूपन कोड भी दे रहा हूँ जैसे एक कूपन कोड है नवीद के नाम से अगर आपने इसको ऐड कर दिया तो आपको यहाँ पे क्या देखिए मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं दो जी बी एक्स्ट्रा डेटा आपको डेटा आपको मिल जाएगा टोटल आपको सात जीबी मिल जाएगा अगर आपको दो जीबी एक्स्ट्रा डेटा नहीं चाहिए तो दूसरा कूपन मैं आपको देता हूँ दूसरे कूपन से आपको पांच जीबी डेटा मिलेगा लेकिन बीस परसेंट डिस्काउंट के साथ अब नवीदी के नाम से कूपन कोड होगा इसको आप अप्लाई करो तो आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इसके अलावा भाई अभी ब्लैक फ्राइडे चल रहा है तो आप जो है ना इनके जो बिजनेस प्लान्स है वो अगर आप परचेज करते हो तो आपको टू एक्स डेटा मिलेगा यानी कि जैसे आप गिट गेट डील के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ठीक है तो गेट डील के ऊपर लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो काम ज्यादा करना चाहते हैं नहीं तो भाई जरूरत नहीं है ये देखिए ये इसका प्रोमो कोड है एंड आपको ना अगर आप हंड्रेड जी लेते हो और ये प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको दो सौ जी बी डेटा मिल जाएगा। इसी तरह से दो सौ लेते हो तो आपको पांच सौ जी बी डेटा मिल जाएगा। तो इस तरह से भाई आप जो है इनकी प्रॉक्सीज ले सकते हो और यही हम यूज करेंगे आर्ट ब्लॉगिंग में अगर आप बिगिनर हो तो ट्रायल पैकेज लो आपको थोड़ा बहुत पता है ज्यादा काम करना है तो फिर आप ऐसा करो कि ये वाला पैकेज लाइट पैकेज लो या फिर बिजनेस पैकेजेस में आपको क्या है कि आपको जो प्रोमो कोड है ये ब्लैक फ्राइडे का प्रोमो कोड है वो भी आप यूज कर सकते हैं अभी आ जाते हैं अपने मेन काम की तरफ ठीक है और यहाँ पे प्रॉक्सीज आपको कैसे फाइंड करने हैं वो मैं पूरा आपको वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि भाई प्रॉक्सीज आप कैसे फाइंड करोगे वो सब कुछ बताया हुआ है ठीक है जैसे ये प्रॉक्सी सेटअप सेक्शन है तो यहाँ पे आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके अपना ट्विटर अकाउंट क्रिएट करना है तो आप मोबाइल सेलेक्ट करो यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करो यूनाइटेड स्टेट ठीक है एंड उसके बाद एच के ऊपर आप रखो क्योंकि मोबाइल के साथ जो सिस्टम मैंने आपको बताया है वो है, है? एच तो आप ये वाला है ठीक है इसका भी मैंने बताया हुआ है ये वाला जो एक्सटेंशन है बल्क प्रॉक्सी चेकर इसके थ्रू आप प्रॉक्सीज को चेक कर सकते हो ठीक है कि इसकी हेल्थ स्कोर क्या है वो सब कुछ आप गया जैसे ये देखें इसका स्कोर जीरो है इसका हंड्रेड है इसका भी आप देख सकते हैं कि लो है आप न्यू टेस्ट के ऊपर क्लिक करो और जो पांच प्रॉक्सीज आपने वहां से ली है वो यहां पे इंटर करो ठीक है एंड इंटर करने के बाद ये आपको लोड करके बता देगा कि भैया इस प्रॉक्सी का ये रेट है और भैया मजीद इसके ऊपर टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे अब वो वीडियो देखो तो आप समझ जाओगे अभी आते हैं अपने सेटअप की तरफ ठीक है अब सेटअप आपको कैसे करना है भैया सेटअप करने के लिए लेकिन ट्विटर अकाउंट्स बनाना मस्ट है ठीक है आपने प्रॉक्सी कनेक्ट करना है और ट्विटर अकाउंट क्रिएट करना है अपने मोबाइल में ही क्रिएट करना है ट्विटर अकाउंट ठीक है अच्छे से ट्विटर अकाउंट्स क्रिएट करो और साथ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपकी जैसे मैंने लोगो लगाई हुई है बैकग्राउंड सब कुछ आप लगा देना बिल्कुल ए टू जेड ठीक है जब आपके ट्विटर अकाउंट्स हो जाएंगे बिल्कुल क्रिएट तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का सेटअप आपने सारे प्लगइन्स को यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है लेकिन जो एपेस पोस्टर है भैया ये आपको तब मिलेगा जब आप इस वीडियो पर 300 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे ठीक है 300 लाइक्स कंप्लीट करने के बाद ये प्लगिन आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है सारे एंड जितने भी स्क्रिप्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आप इसको ज्वाइन करो मैंने सारे प्लगंस ऐड कर दिए हैं भैया और जो स्पेक्ट्रा प्लग है वो भी ऐड किया हुआ है स्पेक्ट्रा प्लगिन आपको मैंने दिया नहीं है वो आपको यहाँ पे सर्च करना है इस तरह से आप सर्च करो स्पेक्ट्रा ठीक है स्पेक्ट्रा सर्च करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करो क्योंकि इसके थ्रू हम डिजाइनिंग करेंगे ठीक है ये देखिए इसको मैंने एक्टिवेट किया हुआ है सारे प्लगइन्स जब आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक प्लगइन है डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक ये वाला प्लगइन आप इस ऐड न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करो ऐड न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे आप अब क्योंकि हम

एंड नीचे स्क्रॉल करके इस रोटेट फिट्स के ऊपर क्लिक करो थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो यहाँ पे स्किप पोस्ट स्किप पोस्ट इन दोनों को स्किप स्किप कर दो स्क्रॉल कर दो यहाँ पे आप इसको भी हटा दो इसको भी हटा दो एंड इसको भी हटा दो ठीक है ये दोनों आप हटा देना अच्छा एक बात एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कुछ लोग फिर कहते हैं पिछले बार भी जो है ना मुझे अभी याद आया कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि भाई कॉपीराइट आएगा और एडसन से मेरे भाई इसमें कॉपीराइट राइट कहाँ से आता है हम इसको इंडेक्स नहीं करेंगे गूगल में और न्यूज में कॉपीराइट नहीं होता ब्रदर न्यूज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो न्यूज में कहाँ से कॉपीराइट आ गया ब्रदर ठीक है इसमें कॉपीराइट नहीं आता हम इसको गूगल में ऐड नहीं करेंगे अगर आपने गूगल में प्रॉपर मैंने अपने इस वाले साइट को गूगल में प्रॉपर ऐड किया है क्यूँ ऐड किया है क्योंकि भाई मैं इसके ऊपर नेटवर्क से से अप्रूवल लूंगा, से भी अप्रूवल लूंगा लूंगा भी क्योंकि मैं प्रॉपर इसको टारगेट किया हुआ है और प्रॉपर इसकी डिजाइनिंग की है आप एडसन से अप्रूवल ले सकते हैं क्यों क्योंकि इसके ऊपर अब मेरे इस साइट के ऊपर ट्राफिक आ रहा है एक और बात भी मैं आपको क्लियर करता हूँ इसके साथ साथ कि भाई अभी जब आप सेटअप करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास भी ऐसा ही ट्रैफिक आएगा मैंने अपने तीन मेन ट्विटर अकाउंट्स लगाए हैं और सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस साइट पर आई है अब क्योंकि इस साइट के ऊपर ट्रैफिक आई है तो मैं इसको एडसन से भी अप्रूव कर सकता हूँ एंड मल्टीपल एड नेटवर्क से भी अप्रूव कर सकता हूँ ठीक है लेकिन इसमें कॉपी वाला कोई सीन नहीं होता है क्योंकि मोस्टली तो ऑटो ब्लॉग को कोई गूगल में एड नहीं करता और ना ही इसमें कॉपी आता है ठीक है ट्राफिक आपका कहाँ से आएगा सोशल साइट से आएगा ट्विटर से आएगा लिंक से आएगा प्रिंट्रस्ट से आएगा फेसबुक से आएगा इन साइड से आपका ट्राफिक आएगा तो जो लोग ये बातें कहते हैं ना वो जस्ट टाइम वेस्टर है और नॉलेज लेस है उनके पास नॉलेज नहीं है ये करने के बाद आप स्क्रॉल करो अच्छा स्क्रोल करने के ये जो कैंपेन है ना कैंपेन रन करने से पहले आप ऐसा करो कि ये जो पोस्ट सेक्शन है आप कैटेगरीज़ के सेक्शन में जाओ अपने आ, अपने वर्डप्रेस में वर्डप्रेस वेबसाइट में एंड यहाँ पे देखिए मेरे पास तीन कैटेगरीज़ चार कैटेगरीज़ है एक्शन बेबी हसल ब्लॉग क्लिकर आप यहाँ पे दो कैटेगरीज़ क्रिएट कर लो एक न्यूज़ के नाम से एक ग्लोबल न्यूज़ के नाम से क्रिएट कर लो जैसे मैं यहां पे करता हूं ग्लोबल न्यूज़ ठीक है ये मैंने ग्लोबल न्यूज़ की कैटेगरी ऐड कर दी है ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करो ऐड हो गई है उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेंडिंग न्यूज ठीक है ये दूसरी कैटेगरी हो गई है ठीक है आपको मिक्स आउट नहीं करना है एक वेबसाइट एक टॉपिक के ऊपर करो तो मैंने ग्लोबल न्यूज एंड ट्रेंडिंग न्यूज ये दोनों मैंने कर दिए हैं अब इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ ठीक है दोबारा दोबारा रिफ्रेश करने के बाद अब इसको मैं दोबारा यहाँ पे नेम दे देता हूँ वन अब क्योंकि मेरे पास दो कैटेगरी है तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ग्लोबल न्यूज़ वाला पहले कर लेता हूँ ये दो एक कैटेगरी हो गई है यहाँ पे फिर सेलेक्ट करो रोटेट सेलेक्ट करो ठीक है जी ये रोटेट कर दिया थोड़ा सा स्क्रोल कर दो, दोनों को स्किप स्किप कर दो उसके बाद मजीद स्क्रोल करो ये वाला सेटअप यहाँ से हटा दो ठीक है सिर्फ मेज कंटेंट वाला छोड़ दो एंड लास्ट में स्क्रोल करो एक वन लास्ट काम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करो कौन से कैटेगरी में आर्टिकल लोड करना चाहते हो तो मैं ग्लोबल न्यूज में करना चाहता हूँ एंड कितने मिनट्स के बाद आर्टिकल आना चाहिए तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ट्वेंटी फाइव मिनट्स ये मैंने ट्वेंटी फाइव मिनट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एंड अब आपने क्या करना है आपने आना है गूगल में एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है न्यूज आर एस एस फीड्स यू आर एल ठीक है ये आप सर्च करो गूगल में भैया जब आप ये गूगल में सर्च कर दोगे तो आपके पास ये टॉप हंड्रेड न्यूज़ जो है ना वो आ जाएंगे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब इनमें से अपनी मर्जी से वेबसाइट जैसे बीबीसी न्यूज़ है तो आप बीबीसी न्यूज़ का ये जो आर एस एस फीड है इसके ऊपर क्लिक करो एंड भैया क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ये जो यू आर एल मिलेगा इसको कॉपी करो ठीक है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दो इसके बाद बैक आ जाओ फिर से एक और यू आर एल यहाँ पर ले लेते हैं जैसे ये एन बी सी न्यूज़ है तो इसका मैं ले लेते हूँ यहाँ से ये मैंने ले लिया ठीक है अब ये लेने के बाद भैया इसका इनका नहीं है ठीक है तो ऐसा कर लेते हैं कि अपना ए पी न्यूज़ जो है इसका देख इसका भी अभी अवेलेबल नहीं है तो सी एन बी सी का ले लेते हैं ठीक है ये मैंने इसका ले लिया है और भैया आप ऐसा कर सकते हो कि आप न्यूज़ जो इंडियन न्यूज चैनल्स है उनके लिए अलग कैटेगरी बनाओ उसमें होगा इंडियन न्यूज पाकिस्तानी न्यूज यूएस न्यूज यूके न्यूज आपके मल्टीपल चायल कैटेगरीज बनते हैं अनलिमिटेड कंट्रीज सॉरी कैटेगरीज आपके बनते हैं यानी कि आटो ब्लॉगिंग में आप चाहो तो सौ दो सौ ब्लॉग्स भी बना सकते हो ठीक है तो ये दोनों मैंने यहाँ पे दे दिए आप जितने ज्यादा दे सकते हो आप पाँच कर लो दस कर लो अपने हिसाब से जितने आप कर सकते हो एंड उसके बाद सिंपल इस पब्लिश के ऊपर क्लिक करो ठीक है और टाइमर मैंने अगर आपके दो कैटेगरीज है तो आप ये वाला सेम सेटअप करो जैसे मैं करूंगा ठीक है अगर आपके चार कैटेगरीज है तो यहाँ पर फिर आप पंद्रह मिनट सेलेक्ट करो मैंने यहाँ पे पच्चीस मिनट सेलेक्ट कर दिया फर्स्ट वाले में अभी सबसे पहले आप इसको मैन्युअली रन करके चेक करो कि ये आपका सही सेटअप हुआ है या नहीं तो मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ ठीक है रन के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी ये मुझे बता देगा ये देखिए भाई आर्टिकल आ गया है मेरे वेबसाइट के अंदर ये आप देख सकते हो एक

आपको ये वाला प्लग जो है ना ये वाला प्लग आपको मस्ट ऐड करना होगा ये सारे प्लग आपको मिल जाएंगे ठीक है ये ऑटोमेटिकली रिमूव लिंक्स ये वाला आपको मस्ट यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर दो सॉरी सेलेक्ट करके आप इसको इंस्टॉल ना हो क्लिक करो एंड इसको इंस्टॉल एक्टिवेट कर दो बस इतना सा काम करना है अब जब मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने कंपेन्स के सेक्शन में ये ऑटोमेटिक आल कंपेन्स के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे ये देखिए ग्लोबल न्यूज़ वाला कंपेन आ गया और दूसरा जो है वो ड्रॉप में है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ देखिए दो पोस्ट यहाँ पे आ चुके हैं दोबारा मैं इसको रन करता हूँ मैनुअली ठीक है दोबारा रन करने के बाद देखिए तीसरा आर्टिकल आ गया अभी देखिए चौथा आर्टिकल आ गया ठीक है देखे मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये खैर ये ऑटोमेटिकली 25 मिनट के बाद लोड होगा बट मैंने इसको अभी मैं खुद बहुत इसको रन कर रहा हूँ अच्छा अब ये वाला इसको मैं विजिट करता हूँ तो इसके अंदर कोई लिंक्स वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि इसका जो ऑटो लिंक्स रिमूवल है वो अपना काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर आर्टिकल्स मेरे वेबसाइट के अंदर लोड हो रहे हैं ठीक है थीके? आप देख सकते हैं प्रॉपर आर्टिकल्स यहाँ पे लोड हो रही हैं इस तरह से ठीक है ये वाला आपको करना है अब दोबारा आप एड न्यू कंपेन के ऊपर क्लिक करो और अब इस बार जो है ना आप दूसरा वाला करो इंडियन कंपेन या कोई भी यहाँ पे कर सकते हो दूसरे बार ठीक है ये आपका पूरा वही सेटअप है तो ऑटोमेटिक जो प्लग है ये क्या करेगा ये आर्टिकल्स को लोड करेगा आपकी वेबसाइट में ठीक है ये वाला सेटअप आपका हो गया है डन अभी आ जाते हैं ब्रदर थोड़ा सा आपको डिजाइन करना है अब जैसे मैंने डिजाइन किया हुआ है अपने वेबसाइट का इस वेबसाइट का इस तरह का डिजाइन करना है तो इस तरह के डिजाइन के लिए अभी बहुत सारा काम बाकी है पहले यहाँ पे डिजाइन की तरफ आ जाते हैं डिजाइन करने के लिए पहले आप ऐसा करो कि जो जीपी प्लगन आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया है ये वाला आप अपेरियंस के ऊपर क्लिक करो एंड ये जीपी जो है जनरेट प्रेस इसके ऊपर क्लिक करो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी ये यहाँ पे होंगे आपके पास ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटे है, है? एक्टिवेट है, इस uh, है इसको आप सेलेक्ट करो ठीक है आपको मैंने दिया होगा एंड ओके okay के ऊपर क्लिक करो ये जब हो जाएगा इंपोर्ट उसके बाद आपको क्या करना है ये टूल सेक्शंस है इसके ऊपर क्लिक करो आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करो ठीक है जी इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये यह वर्ल्ड वाला जो है ना ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है आपके पास इस तरह का आ रहा होगा इंस्टॉल नाउ तो आप इसको एक और फाइल दिया होगा जिसका नाम होगा एलिमेंट्स। इसके आप क्लिक करो एलिमेंट्स। उसके बाद ये वाला सेलेक्ट कर दे एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर दो ठीक है सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब ऊपर यहाँ पे आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं और यहाँ एफेरियंस में भी आपको यहाँ पे एलिमेंट्स नजर आएगा ये अब एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक कर दो भैया आप देख सकते हैं मेरे पास दो

Related content आ गया है। अगर ये related content आपको change करना है, तो ये तो दिखाता हूँ ठीक है इतनी लंबी नहीं होगी और ज्यादा क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे सत्तर परसेंट काम हो चुका है तो यहाँ पे आपके पास इस तरह शो होगा मेरे पास बैकेंड यहाँ पे शो कर रहे हैं आपके पास इस तरह शो होगा यहाँ पे आप रिलेटेड न्यूज लिख दो ठीक है एंड नीचे ये जो आपका आ, ये बॉर्डर्स है ये बॉर्डर्स आप इस तरह से सेलेक्ट करो आपके पास ये वाला सेटिंग आ जाएगा इसका कलर आप यहाँ से, से अपने हिसाब से अपने मर्ज़ी से इसका कोई कलर सेलेक्ट कर दो ठीक है मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ ठीक है तो ये मैंने इसके बॉर्डर सेलेक्ट कर दिए तो आप देख सकते हो और इसके अंदर जो बॉर्डर्स है अब जैसे ये वाले बॉर्डर्स मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं तो इसको भी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रेड ठीक है एंड रेड करने के बाद भैया अब इसका भी कलर यहाँ पे चेंज हो गया है इसको सेव करो एंड अब मैं यहाँ पे आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें ठीक है इसको कैसे को क्लियर करते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चेंज हो गया है इसी तरह से जो दूसरा है अपना पोस्ट टैंपलेट तो पोस्ट टैंपलेट का मतलब ये है ठीक है ये वाला है और ये वाला इसको आप चेंज कर सकते हो देखें इसका कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे आपको सेटिंग आ जाएगा एंड यहाँ पर भी आपको सेटिंग आ जाएगा इसके अलावा ब्रदर ये जो साइड बार का कोड है ना ये प्यारा सा ये कोड भी मैंने आपको दिया होगा फोल्डर के अंदर लेकिन ये कोड काम नहीं करेगा अगर आप इस प्लग को एड नहीं करोगे मैं आपको वो वाला प्लग मैंने दिया होगा सारे प्लग आपको एड करने हैं ठीक है थीके? ये वाला प्लग है जनरेट ब्लॉग्स प्रो के नाम से एंड जनरेट ब्लॉग्स जब आप इसको इंस्टॉल कर दोगे तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप इसको भी इंस्टॉल कर देना ऑटोमेटिकली तो ये दोनों जब इंस्टॉल हो जाएंगे ना फिर अगर आपको ये वाला सेटिंग करना है ये वाला जो है ये वाला ठीक है ये अगर आपको करना है तो मैं आपको कोड दे दूंगा ठीक है वो कोड आपको कॉपी करना है और अपने वेबसाइट में एक्रियंस के सेक्शन में ये विजिट्स के ऊपर आप क्लिक करो अपने ब्लॉग में एंड यहां पे आपके पास जो है ना आपका साइड बार सेक्शन ओपन हो जाएगा प्लस के ऊपर क्लिक करो

कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ पर भी विजिट्स को जो है ना वो मैनेज कर सकते हो बट आप साइट आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करो एंड ये जो टाइटल हाइड होगा उसको आप हाइड कर दो एंड उसके बाद पब्लिश के ऊपर क्लिक करो नीचे ये जो है ना इसको चेंज करना है तो पेंसिल के ऊपर क्लिक करो यहाँ पे आप आ जाओगे एंड भैया सिंपल इतना इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो इसके साथ कुछ और भी लिख सकते हो सॉरी यार ठीक है ये मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक करो इसके साथ कुछ और भी यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हो ठीक है तो ये इतना सा सेटअप करने के बाद अब आपको बेक आना है और एक कस्टम पेज क्रिएट करना है ठीक है एक कस्टम पेज हम क्रिएट करेंगे एंड फिर उस कस्टम के पेज को हम यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करेंगे ठीक है जैसे ये वाला हमने एक कस्टम पेज बनाया हुआ है तो इसी तरह का कस्टम पेज जो है ना हम अपने साइट के लिए अभी बनाएंगे ठीक है आप देख सकते हैं ये हमारा साइट है तो पेज बनाने के लिए पेजेस के सेक्शन में जाओ ऐड के ऊपर क्लिक करो सबसे पहले अपने ब्लॉग का जो मेन नेम होता है वो यहाँ पर आप दो ठीक है तो मैं ये नेम दे देता हूँ एक्सचेंज ट्रैफिक न्यूज ये मेरे ब्लॉग का नेम है एंड उसके बाद जो आपका हेडर होता है इनपो होती है ना डिस्क्रिप्शन वो भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे आ, दे सकते हो वो भी बढ़िया है यहाँ पर आप दे दो ठीक है यहाँ पर इस तरह से ये लगाने के बाद आप यहाँ पर अपने ब्लॉग का जो आपका इंट्रो होगी डिस्क्रिप्शन आप उसे कह सकते हैं टैग लाइन कह सकते हो वो भी यहाँ पर दे देना ठीक है टाइटल देने के बाद ये आपका पेज सेक्शन है आप स्क्रॉल करो यहाँ पे लिखा होगा डिसेबल एलिमेंट्स आप कंटेंट टाइटल को डिसेबल कर दो ये जितना भी लॉन्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको लॉन्ग बना दो क्योंकि डिस्क्रिप्शन लॉन्ग होता है ठीक है ठीक और फिर इसको content title से इसको कंटेंट टाइटल से हाइड कर दो उसके बाद भैया अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस प्लस के बटन पर क्लिक करो ब्राउज आल के ऊपर क्लिक करो तो अगर आपने स्पेक्ट्रा एड किया है ये देखे स्पेक्ट्रा तो स्पेक्ट्रा का सारा सेटिंग यहाँ पे आ जाएगा भैया आप अपनी मर्जी से यहाँ पे डिजाइनिंग कर दो ये एनपो बॉक्स लगा दो कार्ल टू एक्शन लगा दो जो भी आपको करना है कर दो हेडिंग दे दो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पे कहाँ पर होगा पोस्ट ग्रेड ये देखिए पोस्ट ग्रेड को आप सेलेक्ट कर दो ठीक है ये पोस्ट ग्रेड आ गया है और पोस्ट ग्रेड का जो सेटिंग है ना वो ये यह इस यहाँ पर है अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं है इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो इसका ब्लॉक का सेटिंग यहाँ पे आ गया है अब आपने क्या करना है पोस्ट पर पेज ठीक है कितने पोस्ट आप पर पेज शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे चे लिखे हुए हैं आप इसको ऐसा करो कि पहले आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो और ये जो कॉलम्स होंगे ना इसको आप चार कर दो यानी कि चार कॉलम्स होंगे अब क्योंकि एक कॉलम के अंदर चार पोस्ट शो होंगे तो हम टोटल पांच कॉलम्स यहाँ पे शो करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें बीस पोस्ट चाहिए तो आप ऊपर ये जो चे है ना इसको बीस कर दो ठीक है जब आपके पास बीस आर्टिकल हो जाएंगे तो यहाँ पे सारे वो शो होंगे जैसे मेरे वेबसाइट के अंदर शो हो रहे थे ठीक है ये करने के बाद ये सेटिंग आपने जर्नल के अंदर कर दिया उसके बाद आप इमेजेस के ऊपर क्लिक करो एंड इसको इक्वल हाइड कर दो उसके बाद आपका कंटेंट सेक्शन है तो भैया कंटेंट सेक्शन में आप ऐसा करो कि इसको टू के ऊपर रखो या फिर थ्री के ऊपर रखो थ्री बेस्ट रहेगा एचल टैग को थ्री के ऊपर रखो एच के ऊपर शो डेट को भी हटा दो कॉमेंट्स को भी हटा दो एंड डिस्क्रिप्शन को भी हटा दो ठीक है इस तरह से आपका ये बन जाएगा फिर आप थोड़ा सा स्क्रोल करो इसको भी आप बंद कर दो एंड रीड मोर जो है ना इसका ये वाला सेटिंग आप सेलेक्ट कर दो एंड इसको भी इक्वल हाइड कर दो ये देखिए बटन ऑन इक्वल हाइट तो ये भी मैंने इक्वल हाइट के ऊपर कर दी है अब आप देख सकते हैं बेहतर हो गया है ठीक है ये करने के बाद अब आप स्टाइल के सेक्शन में जाओ एंड सबसे पहले बॉक्स होगा तो इसको आप ऑन कर दो एंड बॉक्स बॉक्सो का जो कलर है ये आप अपने हिसाब से जैसे मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ मैंने रेड कर दिया आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दो बॉक्स शेडो करने के बाद अब आपने रीड मोर बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप अपनी मर्जी से कर दो मैं ये वाला रख देता हूँ बैकग्राउंड कलर मैंने ये रख दिया एंड एक्स कलर मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया है ठीक है उसके बाद आपका ये बॉर्डर है तो बॉर्डर को आप डॉटेड करो या पे मैं करता एंड इस तरह से भैया ये देखो ये मैं मेरा है, मैं मेरा फेवरेट है इसको रखता हूँ रख इस तरह से मेरा सेटअप पे हो गया है उसके बाद टाइटल के अंदर कुछ कलर वगैरह चेंजेस करना हो आप कर सकते हो जैसे रेड कलर रखना हो तो यहाँ पे रख सकते हो रेड कलर या अपनी मर्जी से भैया जो कलर आपको पसंद है वो कलर आप रख दो यहाँ पे ठीक है ये ये वाला कलर मैं रख देता हूँ ठीक है सॉरी ये वाला रख हैं चलो ठीक है ये वाला मैंने कलर रख दिया इतना सा सेटअप करने के बाद इसके अंदर मजीद आपको कुछ ऐड करना है तो नीचे ऐड कर सकते हो मतलब प्रॉपर यहाँ पे आप डिजाइनिंग कर सकते हो स्लाइडर ऐड करना है तो स्लाइडर यहाँ पे ऐड करें ये देखिए ये स्लाइडर होगा इस स्लाइडर के अंदर कुछ लिखना है तो लिख दो एंड उसके बाद भैया आप ऐसा करो कि इसको यहाँ पे पब्लिश कर दो इस पेज को पब्लिश कर दो ठीक है तो मैं यहाँ पे इसको पब्लिश करता हूँ मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा इशू है डेट का यहाँ पे मेरे पास इशू है सॉरी टाइम का तो मैं इसको यहाँ पे पहले फिक्स कर लेता हूँ एडजस्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं टाइम का इशू है मेरे पास ठीक है जी इसको फिक्स कर लेते हैं ये एक्चुअल टाइम यहाँ पे आ गया है ठीक है जी अब यहाँ पे जो है ना आप पहले इसको मैं ड्रॉप कर लेता हूँ एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा तो अभी मेरे पास पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट पब्लिश का ऑप्शन आएगा मेरे पास इस वजह से नहीं आया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इशू था ना यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ ना ना कर उसके बाद ये ये देखिए पब्लिश आ गया आपके पास पास इशू नहीं आएगा मेरे पास इस वजह से आया क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था अच्छा पेज क्रिएट हो गया है डिजाइनिंग हो गया है मेरे पेज का अब मैं अपने वेबसाइट के अंदर आता हूँ इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करो एंड देन कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर दो भैया कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आप जो है ये होम पेज सेटिंग होगा इसके ऊपर क्लिक करो एंड इस वाले पेज के ऊपर क्लिक करो होम पेज के ऊपर क्लिक करो एंड जो पेज आपने क्रिएट किया है सिंपल डिजाइन किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर दो एंड देन पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दो आपका डिजाइनिंग हो गया है अब आपका ब्लॉग बिल्कुल रेडी है मैं कैशेस को क्लियर करता हूँ ठीक है तो अब आपका जो ब्लॉग है ना वो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है भैया आप इसको यूज करें यार किधर गया ब्लॉग ये ठीक है जी तो आपका ब्लॉग अभी बिल्कुल रेडी है।, है।, है? है इस तरह से प्रॉपर जो है ना आपका ब्लॉग यहाँ पे बन गया है आप जितने बना सकते हो बना लो ठीक है जब आपका ब्लॉग बन जाएगा भैया उसके बाद अब आपको आपने ऑटो सेटअप कर दिया है ठीक है अब क्या होगा कि पच्चीस मिनट के बाद आपका एक आर्टिकल पोस्ट होगा दूसरा कंपेन आपको रन करना है तो दूसरे कंपेन में आप ऐसा करो कि तीस मिनट लगा दो तीसरे में पैंतीस लगा दो चौथे में चालीस लगा दो ठीक है मतलब पांच पांच का गैप आएगा ठीक है हर पांच मिनट के बाद एक आर्टिकल पब्लिश होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर ठीक है जब आपका ये ऑटो सेटअप हो जाएगा आप मल्टीपल कंपेन रन करो किसी भी टॉपिक रिलेटेड आपने यहाँ से आर एस स्पीड लेने हैं ठीक है ये सेटअप जब आपका हो जाएगा फिर आपको आना है एप एस पोस्टर की तरफ अब आपको ऑटो सेटअप करना है ऑटो शेयरिंग का सेटअप करना है पोस्टर क्या करेगा? ये आपके आर्टिकल को, को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दो अकाउंट्स के सेक्शन में आ जाओ इधर आप चेक करें आपके पास सारे ऑलमोस्ट सारे जो सोशल साइट्स है वो आपके पास है टेलीग्राम भी है पेंटर सब कुछ है मैं सबका वन बाय वन इनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा ठीक है आपको अब हमें यहाँ पे करना है ट्विटर तो आप ट्विटर को सेलेक्ट करो ये ट्विटर आपने सेलेक्ट कर दिया उसके बाद ऐड प्लस ऐड इन अकाउंट के ऊपर क्लिक करो ऐड इन अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स है एक ऐप मेथड दूसरा कुकीज मेथड आप कुकीज के ऊपर क्लिक करो एंड अब भैया ये मेन पॉइंट है यहाँ पे इसको नोट करो हमें ये चाहिए द कुकीज द कुकी ऑथेंटिकेशन टोकन ये हमें चाहिए अब ये आपको किधर मिलेगा भैया अब क्योंकि पाकिस्तान में ये बेन है तो मैं इसको रिफ्रेश नहीं कर सकता आ, फिर हमें यहाँ पे जो है ना प्रॉक्सी कनेक्ट करना होगा तब जाके ट्विटर चलेगा इस वजह से हम प्रॉक्सीज का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा इसमें तो भैया आपको करना ये है कि ट्विटर में अपने प्रोफाइल में आना है ठीक है प्रोफाइल में इस तरह से आने के बाद आप अपने माउस से राइट क्लिक करो एंड इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करो इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक लेकिन ये आपको अपने होम पेज में अपने प्रोफाइल में करना है इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन का इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करो इस एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये होगा कुकीज़ ये इस तरह से बंद होगा आप इसको इस तरह से क्लिक करो एंड देन ये लिखा होगा एच टी टी पी एक्स डॉट कॉम इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके पास ये पूरा सेटिंग आ गया अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए टोकन चाहिए तो ये है वो ठीक है ये कोड चाहिए हमें ये वाला कोड तो ये वाला कोड जो है ना आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ठीक है इसको कॉपी करो यहाँ से ठीक है एंड अभी आप आ जाओ अपने यहाँ पर ठीक है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो मैंने एक दफ़ा ऐड किया हुआ है दोबारा देखते हैं कि ऐड होता है कि नहीं गेट एक्सेस के ऊपर क्लिक करो तो भैया आप देख सकते हैं अकाउंट हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली क्लोज के ऊपर क्लिक करो आपका ट्विटर अकाउंट यहाँ पे ऐड हो गया है इसको आप इस तरह से हो गया आपने एक ट्विटर दिया, दिया अब होगा ये कि जब ये आटो प्लग इन आर्टिकल को लोड करेगा आपके वेबसाइट में तो एप एस पोस्टर उसको आपके ट्विटर अकाउंट पर शेयर करेगा और एक वेबसाइट एक, एक ब्लॉग के अंदर बेस्ट है कि आप मिनिमम तीन से पांच ट्विटर अकाउंट्स कनेक्ट कर दो तब जाके आपको हजारों का ट्रैफिक मिलेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास लाखों का भी ट्रैफिक आ सकता है मेरे सब्सक्राइबर के साथ ऐसा ही हुआ है ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने बड़े बड़े सेटअप्स बनाए थे जैसे कि एक बंदे ने 300 का सेटअप बनाया था 300 सौ ब्लॉग्स का सेटअप मेरे भाई ठीक है और एडीरा से आप हजारों डॉलर के थ्रू मोनीटैक डिफरेंट एड नेटवर्क से मोनीटैक का मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना भूल गया हमने मोनीटैक को भी यहाँ पे यूज किया था आप देख सकते हैं ग्यारह बारह डॉलर यहाँ पर भी अर्निंग हुआ है लेकिन मोनीटैक को हम मैक्सिमम में यूज कर रहे हैं यहाँ पे टारगेटेड इस साइड के अंदर नहीं है ठीक है तो ये इस तरह से दोबारा दूसरा ऐड करना है तो दोबारा क्लिक करो दूसरा ऐड करो यहाँ पे आपको एक और सेक्शन नजर आ रहा होगा ये प्रॉक्सी यूज ऑफ प्रॉक्सी तो यहाँ पर आप प्रॉक्सी का यूज कर सकते हैं अब इसका हम प्रॉक्सी का यूज इसमें कैसे करेंगे जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मैं दोबारा नोड मेविन के ऊपर आ जाता हूँ तो इससे होगा क्या ठीक है इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपने एक अकाउंट ऐड कर दिया अब जब दूसरा अकाउंट ऐड करोगे तो सेम लोकेशन से जब आपके दोनों ट्विटर अकाउंट में सेम लोकेशन से आर्टिकल पोस्ट होंगे तो आपका दोनों अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं या आपका एक सस्पेंड हो सकता है तो उससे बचने के लिए आप इन प्रॉक्सीज़ का यूज कर सकते हो ठीक है आप यहाँ पर आ जाओ ठीक है एंड यहाँ पे कंट्री का सेटअप कर दो कौन सी प्रॉक्सी आपको चाहिए और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ प्रॉक्सीज होंगे प्रॉक्सी का यूज़र नेम यहाँ पे नीचे लिखा होगा मैंने इसको हाइड किया हुआ है ताकि क्योंकि लोग फिर बहुत सारे ऐसे घटिया लोग हैं जो मेरे इन प्रॉक्सीज को यूज़ करते हैं बहुत बार उन्होंने लॉस्ट करवाया है तो आपने प्रॉक्सी यूज़र नेम यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पर आना है अपने ये वाला इस सेक्शन में एंड एंड पर प्रॉक्सी प्रॉक्सी एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर कर दो कर दो ठीक है देन गेट एक्सेस के ऊपर क्लिक अगर से नहीं होता है तो दूसरा आपके पास कौन सा ऑप्शन है प्रॉक्सी नंबर ऑफ प्रॉक्सीज के अंदर सेम यही होगा आपने यहाँ पे प्रॉक्सी का एड्रेस ले लेना है कोई भी एक एड्रेस ले लो वो एक कंट्री का एड्रेस होगा एंड यहाँ पे आप आकर इसको ऐड कर दो ठीक है गेट एक्सेस के ऊपर क्लिक कर दो तो ये क्या होगा कि आपका प्रॉक्सी इसके साथ कनेक्ट हो गया एक लोकेशन पाकिस्तान का होगा दूसरा कनेक्शन जो है वो यूके यूएस का होगा यूके और यूएस से आपके ट्विटर के ऊपर आर्टिकल्स पोस्ट होंगे ठीक है ब्रदर तो ये है आपका सेटअप अभी आता है एड सेटअप तो भाई सेटअप के ऊपर अलग वीडियो आएगी उसके अंदर हम एड सेटअप करेंगे इसी ब्लॉग के अंदर हम क्या करेंगे कि की मोनी टैग के लगाएंगे एड कैश के लगाएंगे डिफरेंट एड नेटवर्क्स के एड्स लगाएंगे और यहाँ पे सारा सेटअप जो है आप कर सकते हो इस तरह से आपको अर्निंग होगी ये है ऑटो ब्लॉगिंग ठीक है ये होता है ऑटो ब्लॉगिंग मुझे पता है कि मैंने क्लियर आप लोगों को वन बाई वन गाइड नहीं किया मैं कभी जो है ना एक तरफ जाता हूँ तो कभी दूसरे तरफ

auto blogging in 2025

I love you.